मोदी जी का उल्लेख डॉक्टर पतंजलि जी के बोले में आ रहा था। गौरव जी ने आज विवेकानंद जी के जयंती के शुभ दिवस पर बहुत अच्छा कार्यक्रम जो मन की बात में मोदी जी ने कहा था उसका आयोजन किया। विवेकानंद जी के बारे में मेरे सामने बैठे हुए सबों को कोई नई बात कहने की आवश्यकता नहीं है। एक उनके जीवन का किस्सा मुझे याद आ रहा है। विवेकानंद जी का नाम पूरे विश्व में जिस कारण गया वो शिकागो के धर्म परिषद में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। हम सब लोगों को मालूम है उनका पहराव भगवे वस्त्र परिधान करके वो घूमते थे। वहां शिकागो के रास्ते पर जब सुबह वॉक कर रहे थे एक विदेश के युवा कपल को दिखे, उनको ये पहराव भगवा वस्त्र परिधान किया हुआ साधु वेश परिधान किया हुआ आदमी उनको एक विदुषक जैसा लगा। उन्होंने कमेंट किया, वो महिला ने अपने पति को कहा, डार्लिंग देखा हाउ फनी ही लुक्स, ये आदमी कैसे दिख रहा है। विवेकानंद जी ने वो सुना, उनको रंज गया, उन्होंने उनको रोका, बोले मैडम आपने जो कमेंट किया है हाउ फनी ही लुक्स, ये विदुषक जैसा कैसे दिख रहा है। मैं आपको कहता हूं मैं उस देश से आया हूं, आई एम फ्रॉम द कंट्री वेयर कैरेक्टर मेक्स मैन जेंटलमैन एंड यू आर फ्रॉम द कंट्री वेयर टेलर मेक्स मैन जेंटलमैन। आपके देश में पहराव कैसा है, आदमी कैसे दिखता है, इस पर आदमी का आकलन होता है, टेलर बनाता है आदमी को। हमारे देश में आदमी का चरित्र कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, यह आदमी को सज्जन पुरुष बनाता है, उस देश से मैं आता हूं। यह विवेकानंद जी, तो उस विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर पूरे देश में काम होना चाहिए, युवाओं में श्रद्धा जगनी चाहिए। इसके कारण मोदी जी ने पूरे देश को मन की बात में आह्वान किया था कि इस मिनट से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सब लोगों ने युवा संसदों का ऑर्गेनाइज करना चाहिए।